हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके मोनू ब्लॉग में। फाइनली हम लोग गोपालगंज पहुंच चुके हैं। गोपालगंज आज हमारे साथ हैं उज्जवल भाई। जानते हैं उज्जवल भाई को आज पहली बार हमारे वीडियो में देख रहे हैं क्योंकि ये आज पहली बार हमारे साथ आए हैं। गोपालगंज में मेला लगा है, उस मेला में चलते हैं और क्या क्या लगा उस मेला में वो सारे चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं और सारे चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग अब पोस्ट ऑफिस चौक पे हैं और यहाँ से इधर जो आप लोग देख रहे हैं एक कचहरी है और इस साइड आप लोग देख सकते हैं एक गोपालगंज का आईटीओ ऑफिस है। अभी दोस्तों हम लोग गोपालगंज थाना आ गए हैं। देखिए अभी दोस्तों हम लोग गोपालगंज थाना चौक पे आ गए हैं। ये थाना चौक इसको बोला जाता है और आप लोग को बता दें कि देखिए आई लव गोपालगंज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप लोग को बता दें कि कौन सा रास्ता भी एम पार्क में चलेगा जहाँ पे मेला लगा है। तो चलिए चलते हैं, यही रास्ता देख लीजिए आप लोग को। तो दोस्तों अभी हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे मेला लगा है। देखिए डिज्नीलैंड मेला, ये मेला का समय है शाम 4 बजे से 10 बजे रात तक। तो चलिए आप लोग को सारी चीज़ दिखाते हैं, इस मेला के अंदर एंट्री करते हैं। 10 रुपये का टिकट है तो चलिए टिकट ले लेते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं मेला के अंदर। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग टिकट ले चुके हैं, 10 रुपये का एक टिकट मिला है। दो आदमी हैं तो 2 टिकट ले लिए हैं, 20 रुपये का 2 टिकट मिला है। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग मेला के अंदर आ गए हैं डिज्नीलैंड मेला में और आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ CCTV कैमरा लगा है, आप कभी भी इस मेला में आएंगे तो आप पूरी CCTV कैमरा के नज़र में रहेंगे। तो चलिए यहाँ अंकल जी हैं, इस मेला का जानकारी इनसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो अंकल जी आपको नमस्कार हमारे चैनल के तरफ। नमस्कार जी, आप बताएंगे कि इस मेला कहाँ पे लगा है और कब तक रहेगा? ये गोपालगंज में लगा हुआ है। ये मेला कब तक रहेगा? ये मेला देखिए लमसम 2 माह तक रहेगा। 2 माह तक, 45 दिन का इसका एग्रीमेंट है जी। और कितने दिन बाद लगा यहाँ पे? ये लमसम 2-2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद लगा कोरोना की वजह से जी। ये हर साल लगता है? हाँ हमेशा लगता है, लेकिन ये टाइम में जब लगा है ना तो कोरोना के लेकर सब थोड़ा लेट हो गया। हम लोग फिलहाल सीवान में भी थे जी। मतलब फाइनली ये है कि आप लोग हर साल लगना था, कोरोना की वजह से नहीं लग पाया है और 45 दिन तक अभी मेला रहेगा आज से, ठीक है। तो चलिए अब मेला दिखाते हैं आप लोगों को और मेला में क्या क्या आया और सारे चीज़ का जानकारी देंगे आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहें। सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, कभी भी आप इस मेला के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं। यानी चीनी मिट्टी का जो कप बनता है यहाँ पर दुकान है। तो चाचा जी से पूछते हैं कि कितने कितने रुपये का ये कप है। तो चाचा जी एक कप कितने कितने रुपए का है? कप है सबसे लोस में है 50 का है, 60 का है। ये कितने रुपए का है? ये 50 का 6 है। 50 रुपए का 6 मिलेगा। और आगे हर क्वालिटी में होगा आपके पास? अब हर एक में होगा, 60 का है, 100 का है, 150 का है। लेना होगा ये गिलास है, 100 का 6 है, 120 का 6 है। 120 का 6 है, 100 का 6। ये जो कितने कप देख रहे हैं यहाँ से, ये 100 रुपये के 6 कप आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे कपड़े का भी दुकान आ चुका है और आप लोग को बताते हैं कि कौन सा कपड़ा कितने में मिलेगा। तो भैया है यहाँ का दुकान का मालिक। 150 का सेल है, 150 रुपये में चाहे जो ले लें। हाँ इसमें कोई भी ले लीजिए, फ्रॉक 300 का, कुर्ती 250 का। अच्छा जो ऊपर जो कुर्ती लगा है 300 यानी 300 रुपये का? 300 का फ्रॉक, 300 कुर्ती, 250। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि भैया ये जो ऊपर लगा हुआ है ये कितने का? 300 और नीचे जो नेटी लगा है ये कितने? ये 250 का है। 250 नेटी इसको बोला जाता है। 250 में चाहे जो भी हो जो ले लीजिए। ये 200 का है, कॉटन नेटी। अच्छा ये कॉटन में है, 200 का चाहे जो भी ले सकते हैं 200 रुपये में। प्लाजो लेगी जैगीज 250 कोई भी ले सकते हैं, 250 का है लेगी। 250 यानी 250 रुपये में आपको सारे चीज़ मिल जाएगा, जो लेना वो चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए आगे चल, टैटू भी बनवा सकते हैं, जैसा डिजाइन बनवाना हो वैसा बनवा सकते हैं। देखिए कितना सारा पोस्टर लगा है, आप पोस्टर के माध्यम से सारे चीज़ देखकर आप बनवा सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखा दें कि यहाँ बहुत सारे कपड़ा भी लगा है, बहुत अच्छा कपड़ा लगा है। तो पूछते हैं कौन सा कपड़ा कितने का है और रेट क्या है? हमारा मात्र 250 रुपये का आएगा सर। उसके बाद से रेंज 250 से शुरू है हमारे पास, आप लीजिएगा मोदी मंडी में आ जाएगा वो आपको 850 का है। हाँ मोदी जैकेट आएगा वो जी। उसके बाद से लॉन्ग कुर्ता आप ले रहे हैं 350 आएगा वो जी, मात्र 350 की रेंज में आएंगे आपको जी। सिलाई रेट है, अदर अदर रेट में आ जाएंगे आपको मटका खरीद वो आपको आएंगे 350 का सर जी। ये आपको 450 के आएंगे मैम, लॉन्ग कुर्ता में आएंगे वो
हाँ बहुत सारे कलर। और ये जितने भी शर्ट रखे हैं ये कितने का? 250-300 अलग अलग रेंज आएंगे सब। अलग अलग जी, मतलब कि 250 रुपए का एक है जी। 250 से शुरू है हमारे पास, 250 से जी। ये सारे कुर्ता जो लगाए हैं ऊपर होते हैं हमारे पास 450-650-800-900 अलग अलग रेंज में है सब। अलग अलग जी, खादी का आएगा। तो चलिए आगे चल रहे हैं सब। 10-20-50-200 का। हाँ जी, सावर फिल्टर भी है ना। सकते हैं कि आप लोग कितने दिन से यहाँ पे मेला पे आ रहे हैं? आज पहले दिन आए हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस मेला में चप्पल और जूते का भी यहाँ पे दुकान लगा हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि देखिए, चलिए भैया हैं, भैया से पूछ लेते हैं कि कौन सा चप्पल कितने का है। तो भैया आप कुछ बताएंगे रेट वगैरह इसका? हाँ भैया, ये हमारे पास पूरा सेल आता है। जो 300-400 का मार्केट में मिलता है 500 तक का, वो हमारे पास 200 रुपये का पूरी सेल आता है। ये जो जयपुर से भी है, राजस्थान से भी है, और कनाडा से भी है, बम्बई से भी माल आता है। ये पे सबका पूरा पूरा बिल्कुल फिक्स कम से कम रेट में आता है जो। तो भैया आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो जितने चप्पल लगाए हैं ओनली 200 रुपये का, और उधर में और इससे भी कम रेट का है जो 150 रुपये का आता है, उस साइड में आता है। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ से जितना भी चप्पल लगा है लास्ट तक लगा है, वो आप लोग को ओनली 200 रुपये का मिलेगा। और कम रेट में आप लोग को बता दें, कम रेंज में आप लोग को बता दें, इधर 150 रुपये का आप लोग को मिल जाएगा। इस साइड में जो भी लगा है आप लोग को 150 रुपये का मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और कुछ भी आप लोग दिखा, और भी बहुत कुछ आया हुआ है। तो चलिए भैया हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए कितना अच्छे अच्छे मसाज की मशीन रखे हैं। ये मेला के बात करें, किसी मार्केट का बात नहीं है, मेला में सब कुछ आया है। तो भैया से सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे कम रेट में आपके पास मसाज वाला मशीन कितने का? सबसे कम है सर 250 का, 150 का भी है। ये 150 का भी आता है सर, 150 का। जी सर, 250 है सर, 250 जी जी जी। उसके बाद ये 800-900 का है, जो इलेक्ट्रिशियन आइटम से चलता है, लाइन से। तो दोस्तों अटैचमेंट के साथ ये जो है बड़ी मसाज वाला है, और ये 800 रुपये का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये बड़ा वाला बताइएगा थोड़ा, बड़ा वाला सर ये 1300 रुपये मिल जाएगा आपको। 1300 रुपये का जी जी। और इससे ये वाला आपका 1000 रुपये का है। 1000 रुपये जी जी। बाकी ये सब ट्विस्टर वगैरह सर हेल्थ के लिए, वेट घटाने के लिए है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, गैस, दर्द, शुगर, पूरा बॉडी हेल्थ के लिए है। और भी यूनिक यूनिक आइटम दिखाएंगे, जो फिंगर वगैरह के लिए, ये नस वगैरह बैठा था सर जी। सर इसमें ये हाथ से है, गैस, दर्द, शुगर, बीपी नॉर्मल करने के लिए, पूरा बॉडी के लिए सर। बढ़िया बढ़िया चीज़ है, आप आकर यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे बता दें कि चाबरिंग लेना हो तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। सारा देखिए यहाँ पे सारे चीज़ आया, चाबरिंग और परचून का सारे सामान यहाँ पे आया हुआ। तो चलिए कुछ चूड़ियों का रेट आप लोग को बताते हैं। तो भैया इस चूड़ी का रेट बताएंगे कितने रुपये का है? ये सब 100 रुपीज की है, कांच की चूड़ी है। ये सब 150 का है। बाकी ये सारे चीज़ लगाए, ये 100 की है। 100 का। अच्छा, और सब डिजाइन में आप कुछ बता दीजिए, जो वाइट कलर का है ये कृष्ण मोती है, ये सब सबसे हैवी सबसे अच्छा आइटम है ये वाले, 150 का कृष्ण मोती है। दोस्तों काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, चूड़ी लगा है, आकर आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ज्वेलरी का सारे सामान रखे हैं। और भैया कितने कितने का है ये? 200 का 250 का। तो दोस्तों आप लोग इस मेला में आएंगे तो आप लोग को ये रिंग फेंकन मनोरंजन के साधन मिल जाएगा। देखिए ये रिंग आप लोग कितने का दे रहे हैं भैया? 30 रुपये का 5 रिंग। 30 रुपये का 5 पीस। और यहाँ पे ऐसे जैसे आप हम फेंक रहे हैं इस तरीके से आप फेंके, और जो इस रिंग के अंदर आ गया वो आपका, नहीं आया तो पैसा भी गया। क्योंकि चश्मा लेना हो तो इसमें आगे पूरा चश्मा है, जो भी ये चश्मा आपको चाहिए वो ले सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत अच्छा डिजाइन में भैया ये जो है लेडीज़ पर्स लेके आए हैं, छोटा से बड़े में। तो भैया इसका कुछ प्राइस बताइए। ये 60 रुपीज़ के लेके 350 तक है, इधर लेदर में आएगा, हैंडीक्राफ्ट का है, और ये सब कांथा वर्क होता है, हैंडमेड होता है। अच्छा 60 रुपये का कौन सा है? ये 60 रुपीज़ का पर्स आता है, छोटा वाला। हाँ, बड़ा वाला कितने का है? बड़े वाला है 250 का है, 300 का है, 350 के हैं, अलग अलग प्राइस। हाँ, साइज के हिसाब से प्राइस। लेदर में जो बता रहे हैं इधर इस साइड वाला, लेदर में आएगा ये पूरा हैंडीक्राफ्ट होता है, हैंडमेड होता है, आपको 750, 650, 550, इधर 60 रुपीज़ से भी स्टार्ट है, 200 का है, 250 का है, सब रेंज के हैं। अच्छा, मतलब जैसा सामान लेंगे वैसा रेट पड़ेगा। तो और यहाँ पे भगवान की मूर्ति भी ले सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। तो दोस्तों मनोरंजन का साधन यहाँ पे है, देखिए इसमें कितने रुपए का कितना मिलता है गोली? 20 का 6 गोली, 40 का 12 पीस। 20 का 6 गोली लेंगे और इसमें भर का जितना गुब्बारा फोड़ सकते हैं उतना फोड़ सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बर्तन भी ले सकते हैं, लेडीज़ पर्स यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है, गुब्बारा वगैरह बच्चों के लिए ले सकते हैं। वहाँ पे देखिए परचून का सामान वगैरह, जो बच्चों का खेलने वाला सामान है वहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग पेप्सी वगैरह पी सकते हैं। तो चलिए अब मेला का रौनक आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दें कि बच्चों का खेलने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा दिया गया, जो बच्चे इस पर चढ़ेंगे और कूदेंगे। इसका टिकट है 40 रुपये,
5 मिनट आप इस पर कोई भी बच्चा खेल सकता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, इस मेला में ये वाला भी झूला आया हुआ है, इस पर बैठेंगे थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा, बहुत मज़ा आता है। इसका टिकट 50 रुपये है। तो दोस्तों इसका भी टिकट जो है ट्रेन का 50 रुपये का है, 50 रुपये देना पड़ेगा जब भी आप लोग ट्रेन पर बैठ सकते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ मेला पे आएंगे तो कुछ खाने का मन करेगा तो आप भैया के पास पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो भैया कितने रुपए का पिज़्ज़ा? 100 रुपये। 100 रुपये में कितने लोग खा सकते हैं? 4 आदमी खा सकते हैं। 4 आदमी खा सकते हैं, तो एक पिज़्ज़ा में 4 आदमी खा सकते हैं। तो एक डांस झूला बोला जाता है, इसका टिकट 50 रुपये। देखिए बैल वाला झूला भी आया हुआ है, इस पर बैठ जाएंगे, बैठने के बाद ये बहुत तेज में चलेगा, आप लोग गिरेंगे तो भी चोट नहीं लगेगा क्योंकि ये हवा भरा हुआ गुब्बारा के जैसा है। तो भैया इसका कितना टिकट है? 40 रुपये भैया। 40 रुपये टिकट है, 40 रुपये टिकट देंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सर्कस है, कितने रुपए टिकट है भैया? 30 रुपये टिकट है। 30 रुपये, इसमें क्या क्या दिखाते हैं आप? रेडी शो, हॉलीवुड, भूत, यही सब दिखाते हैं। 30 रुपये टिकट है, 30 रुपये टिकट है। तो दोस्तों ये बच्चों को झूलने के लिए है, 20 रुपये टिका वाला झूला है, इसको भी आप लोग को दिखा देते हैं। भैया कितने रुपये टिकट है नाव वाला झूला? 40 रुपये। 40 रुपये ओनली, 40 रुपये में आप लोग देख के इस नाव पर बैठ सकते हैं। और इसका टिकट 10 रुपये है, 10 रुपये में आपके बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। दोस्तों आप लोग बता दें, इस मेला में एक और झूला आया है जो काफ़ी अच्छा है। देखिए ये ऐसे ऐसे घूमता है गोल कलर में, देखिए गोल राउंड में आप लोगों को ये झूला घूमते हुए आप लोगों को मिलेगा। इस पर बैठ सकते हैं और बैठकर मज़े ले सकते हैं। तो इसका भी टिकट 50 रुपये है, 50 रुपये देकर और इस झूले में आप लोग बैठ सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ड्रोन कैमरा से मेला का पूरा चारों तरफ का रौनक दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं। तो चलिए देखते रहिए। दिन में हम लोग आए थे, काफ़ी रात हो चुका है, 7:30 बज चुका है। आप लोगों को दिखा दें कि बाहर भी बहुत सारा रौनक है और यहाँ पे बहुत सारे दुकान आप लोगों को बाहर भी मिल जाएगी। रात की रौनक आप लोगों को दिखा रहे हैं, कितना अच्छा दिखता है यहाँ पे मेला लगा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं करेंगे एंड, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।